तो हे गाइस, कैसे आप लोग? तो आप लोग बिल्कुल ही होंगे। तो आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम खेल रहे हैं एक इंडियन बस सिमुलेटर गेम, जिसका नाम होने वाला है बस सिमुलेटर अल्टीमेट इंडिया, जो कि बहुत ही मजेदार है। पूरा प्रॉपर इंडिया मैप है और पूरा इसमें हिंदी में मिलने वाला है आपको सब कुछ, और मैप भी आपको मिलने वाला है इंडिया का। तो सबसे पहले अपने कंपनी का नाम लिख लेते हैं, बाबा जी। उसके बाद फिर ड्राइवर का नाम, तो ठीक है बाबा जी ही चलाएंगे, तो इनको लिख लेते हैं बाबा जी। ओके, तो यहाँ पे हमने कंपनी बनानी है, ठीक है हमारी कंपनी बन गई है बाबा जी, आपकी कंपनी बन गई है। ओके, बस देख सकते हो हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप करियर भी कर सकते हो भाई, आप बहुत लोगों को मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब स्टार्ट करते हैं बस को, और ग्राफिक्स काफ़ी मज़ेदार है और पहले से पूरा चेंज हो गया है। ये सेटिंग देख सकते हो आप लोग, पूरी सेटिंग है यहाँ पे। आप लोग जैसे ड्राइविंग व्हील बटन कस्टमाइज ये सब पूरा कर सकते हो, और यहाँ से अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। और आगे दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ उपहार है, गिफ्ट है। ओके, यहाँ पे ड्राइवर है, रूट बनाए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्राइवर खोजे चालक। ओके, तो यहाँ पे हमें रूट बनाना है, पहले गाड़ी देख लेते हैं। गैलरी यहाँ पे खरीदने के लिए। ओके, यहाँ पे कुछ पुरानी गाड़ियाँ लगी हुई हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं, 36,000, 93,000, 80,000, ऐसे ऐसे करके खरीद सकते हैं, और अपनी गाड़ियाँ भी। तो चलो रूट बनाते हैं फटाफट, देखते हैं किस रूट पे हमें जाना है, ठीक है। तो अभी तो दो ही दिखा रहा है, भोपाल नागपुर। ओके, भोपाल नागपुर, भोपाल से नागपुर जाएंगे। ओके मेरे भाई, ये पूरा डिस्टेंस है भाई 375 किलोमीटर का, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे हम टिकट सेल करते हैं, देखते हैं कितने टिकट सेल कर पाते हैं हम। अभी तक हमारे 4 टिकट बिक चुके हैं, और जो इसमें टाइम लगने वाला है ना, इस टोटल रूट को कंप्लीट करने में जो टाइम लगने वाला है, वो 9 घंटे लगने वाला है भोपाल से नागपुर जाने के लिए। 375 किलोमीटर की दूरी है, और कुछ अभी कुछ टिकट जो है भोपाल से अहमदाबाद बिके हैं, और भाई भोपाल से जयपुर, ऐसे ऐसे हमारे जो टिकट है वो बिक गए हैं, ठीक है। तो अब हम अपने बस को स्टार्ट करते हैं और स्टैंड पे लगाते हैं, और देखते हैं कितने लोग आते हैं, ठीक है। तो अभी 28 लोग हैं, टोटल 28 टिकट हमने सेल कर दिए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो बेचे गए टिकट 28। ओके, कुल जो राशि है 896 रुपये, 896 रुपीज़ जो टिकट की प्राइस है हमारी। ओके, इतने की टिकट हमारी सेल हुई है, ठीक है। तो रूट के लिए जाने के लिए तैयारी कर लेते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल प्यारे से शब्दों में लिख के आ चुका है, और भाई जो हो रहा है यहाँ पे देख सकते हो, लोडिंग हो रहा है, ये भी काफ़ी मज़ेदार है। ताजमहल के सामने से बस जा रही थी। ओके, ये हमारी बस स्टैंड पे आ चुकी है, तो अब बस स्टैंड पे लगाएंगे, और भाई जो भी हमारे पैसेंजर हैं उनको गाड़ी में बिठाएंगे, और भाई ले चलेंगे भोपाल से नागपुर। पहले भोपाल से जाना है हमें कहाँ पे, अहमदाबाद, फिर भोपाल से जयपुर भी लोग हैं, और फिर नागपुर के लिए भी, तीनों जगह के लिए लोग बैठने वाले हैं हमारी बस पे। तो बस स्टैंड पे कहाँ पे लगाना है? ओके, नहीं, यहाँ पे लगाना है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है। हमारी बस तो बहुत छोटी है अभी, कोई बात नहीं है, अभी भाई पैसा कमाना है गेम के अंदर, फिर भी हम बड़ी बस लेंगे, कोई बात नहीं है, हम भी बड़ी बस लेंगे, ठीक है। और इसमें देख सकते हो आप लोग, वाईफाई और वीडियो, एसी और फूड का भी यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है भाई, बहुत अच्छा है। इसमें ढेर सारे फीचर दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, एसी का है, खाने पीने का, और वाईफाई, लाइटिंग, वीडियोस, सब कुछ लगे हैं भाई, सीट एडजस्टमेंट, और भाई मैप का भी ऑप्शन है, और मिरर, सब कुछ फुल्ली लोडेड है भाई, रेडियो भी है, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बस लग चुकी है, सामान के लिए आपको डिग्गी खोलना होगा, ठीक है। सामान के लिए हमें डिग्गी खोलना पड़ेगा, और यात्रियों के लिए हमें गेट भी खोलना पड़ेगा। और ये भाई साहब अभी पूरा सामान लोड करवाएंगे, और फिर हमारी जो पैसेंजर हैं वो बैठेंगे, फिर हम यहाँ से चलेगी हमारी, हमारी बस यहाँ से चलेगी। उसके बाद बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाने वाले हैं भाई भोपाल, नागपुर, नागपुर, अहमदाबाद, बस सिमुलेटर। ओके, काफ़ी मज़ेदार है यार, सब लोग बैठ रहे हैं, बैठ जाने दो, मज़ेदार गेम है भाई, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना अभी, ठीक है। अच्छा, यात्री सूची, बेचे गए टिकट 28, बस पर यात्री 28। ओके, नागपुर की यात्री 28, ठीक है भाई, टोटल सब कंफर्म हो चुका है, सब 28 है, हमने 28 टिकट बेचे थे और 28 लोग बैठ भी गए हैं,
बैठ देखो, हमने ये भी कंफर्म किया हमने कितने टिकट सेल किए थे और कितने लोग बैठे थे। डोर और डिग्गी हमारी बंद हो चुकी है, हमने 28 टिकट सेल किए थे और 28 पैसेंजर्स जो हैं हमारे बस के अंदर आ चुके हैं। आपके पास इस बस का वाईफाई सुविधा? ओके, यहाँ पे बस में WVC और यहाँ पे जाने का समय आ गया। और हिंदी में कुछ ऐसे टाइटल भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। मैं AC आप कोल्ड और हॉट दोनों पे रख सकता हूँ, ये काफ़ी मज़ेदार है, तो मैं अभी कोल्ड पे रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो हिंदी में कुछ स्पीच है ना, वो काफ़ी अच्छे लगी मुझे, तो काफ़ी मज़ेदार है यहाँ पे। इस सफ़र के लिए आपको खाना पीने की सेवा, ठीक है, मिली थी, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैप हमारे सामने अभी यहाँ पे, ओके, कुछ ऐसा देख रहे होगे आप लोग, जो कि काफ़ी मज़ेदार लगा। यहाँ पे देख सकते हो कितने लोग को खाना खाना है, नहीं उनके कंफर्ट भी चेक कर सकते हो, तो काफ़ी मज़ेदार है यार। ये देखो, इसमें और भी अलग अलग प्रकार के भाई कैमरा एंगल्स हैं। ये वाला ना फर्स्ट पर्सन व्यू वाला कैमरा एंगल ना, ड्राइवर का जो फर्स्ट पर्सन व्यू है वो काफ़ी मज़ेदार है। और ये देखो भाई कितना मस्त लग रहा है, हमारी बस 360 भी है, सब कुछ है भाई। कैमरा बोले तो फुल्ली लोडेड है मेरे भाई, कैमरा एंगल्स, सारे कैमरा एंगल्स इसमें हैं, ठीक है। और मैप भी आपको देखते हैं, और आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने बस को, और भी ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे देखो। ड्राइवर के केबिन में भी दिख रही है मैप, और आपको स्क्रीन पे भी मैप दिखेगा, सब जगह फुल्ली मैप दिख रहा है, जो कि वर्क कर रहा है प्रॉपर 100% मेरे भाई। अब आ चुके हैं हम यहाँ पे नागपुर, और नागपुर के यहाँ पे बस स्टैंड पे अपनी बस खड़ी कर देंगे, उसके बाद जो यात्री हैं वो चलेंगे। ये बस टर्मिनल है, ओके, बस टर्मिनल पे हम अपनी बस को लगाएंगे। देखते हैं हमें अपने बस को कहाँ पे लगाना है, और अच्छी जगह लगा के जहाँ पे हमें लगाना होगा बस को, और वहाँ पे हमारे सारे पैसेंजर उतर जाएंगे, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, कुछ हिंदी में स्पीच थे उसको भी अभी अभी देख लेते हैं। 30 मिनट में आराम, जाने का समय आ गया, आराम के समय ख़त्म हो गए, हम हमेशा आपके सेवा में हैं, आपकी सीट बेल्ट बांधें, ओके, बहुत चीज़ें, जाने का समय आ गया है, ठीक है भाई। यहाँ पे बहुत कुछ है, हाँ मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और इंडिया के हिसाब से ये कुछ बहुत चीज़ अच्छा है, तो गेम काफ़ी अच्छा है। और गेम की साइज़ की बात करें तो 800 कुछ MB का गेम है, और इसे प्ले स्टोर पर आप लोग इजिली से डाउनलोड कर सकते हो। मुझे ये गेम काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग भी अपना ओपिनियन और रिव्यू ज़रूर देना कि आप लोग को इस गेम में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है, ज़रूर बताना आप लोग। तो यहाँ पे जो है कि हम लगाएंगे अपनी बस को, ओके, यहाँ पे सही से पार्क करें, ओके, ये पार्क कर दिया। अब मैं केवल बस में सफ़र करूँगी। ओह, कुछ लोग बोल रहे हैं, पैसेंजर बोल रहे हैं कि अब मैं केवल बस में सफ़र करूँगी, हमारी बस में। तो प्रॉफिट देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, 896 रुपये का।